पानीपत के सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सिविल अस्पताल में मरीजों और उनके अटेंडेंट को सर्व किए जाने वाले खाने में छिपकली मिली है। छिपकली मिलने से थर्ड फ्लोर पर मरीजों और उनके अटेंडेंट में हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने वहां खाना खाया उनको उल्टी लगने लगी। वहीं एक मरीज के साथ आए 10 साल के बच्चे को इतनी उल्टी लगी कि उसको तुरंत प्रभाव से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। सूचना मिलते ही पीएमएस समेत डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। जैसे मैंने चावल खा लिए तो फिर रोटी खाने लगी, एक उसमें दाल में गरी डबोई तो एकदम से वो छपकली दिखी तो वो चावल भी निकल गए सारे, उल्टी लगी। किस टाइम आपके पास खाना आया था और कौन लेके गया था आपको खाना? टाइम का तो पता नहीं, लेकिन 10-15 मिनट पहले ही आया था। अभी कौन लेके आया था? वो ही सेवा वाले आए थे, दो जने वो दे के गए थे जो हॉस्पिटल में सभी को खाना। हाँ जी, जो सभी को खाना देते हैं। तो उसके बाद फिर तबीयत भी बिगड़ी थी? नहीं, तबीयत तो बस ये है, उल्टी लगी, अब थोड़ा सा बस चक्कर सा आ रहा है, बाकी ठीक है। डॉक्टरों को बताया आपने इस बारे? हाँ जी बताया है, अब कह रहे हैं कि भी इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, एडमिट करेंगे। क्या नाम है? कोमल। कब से आप एडमिट हो यार, क्या बीमारी थी? मेरे माँ जी को एडमिट हो रहे हैं, ये इनके साथ हूँ मैं तो। जब वैसे आए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो चपकली निकली थी इस सिस्टम ने बताया था कि उसमें खाने में चपकली है, उसके बाद में ना उसको दाल छुड़वा दी, एक या दो डेढ़ रोटी खाई उसने, फिर उसके बाद में उन्होंने छुड़वा के फिर उल्टी हो रही है उसको। इमरजेंसी में गए, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई ना पंडित जी ज़्यादा परेशानी होगी जब देखते हैं ना, फिर वहाँ जाके कुछ समाधान नहीं मिला हमको। तो खाने के बाद हुई है उल्टी, अभी तो लिफ्ट द्वारा ले गए हैं, अभी वो वहीं है अभी। कितने साल का? 10-11 साल का होगा, 10 से भी कम। यहाँ किस बीमारी के लिए एडमिट कराया था? यहाँ एडमिट नहीं कराया, वो मेरी घरवाली पे बच्चा हुआ डिलीवरी से, उसके हाँ मेरी सिस्टर के साथ आया हुआ था। कितने मरीजों ने खाना खा लिया था? कम से कम तो यहाँ तो 2-4-5 बंदों ने तो खा ही लिया था। कितनों की तबीयत खराब हुई आसपास? अभी तो इस सिस्टर की है, एक वो है मेरा भांजा, तो देखते हैं क्या होता है। क्या नाम? मेरा नाम पवन शर्मा। सिस्टर की भी तबीयत खराब हुई है? नहीं, सिस्टर ने नहीं खाया खाना। जी जिस सेवा वाले खाना लेके आए थे, मेरे रात से खून चढ़ा था, सवेरे दोपहर खाना खाया तब से मेरे उल्टी लग रही है खाने से, एक रोटी खा ली थी मैंने। उल्टी क्यों लगी आपको? उल्टी छिपकली थी इसमें दाल में, उसकी वजह से। कैसे पता चला आपको छिपकली दाल में? उसमें रोटी डबोई दाल में तो उसमें छिपकली निकली थी, तो उसकी वजह से। डॉक्टर आए आपके पास? जी हाँ, डॉक्टर आए थे, देख के गए थे, कह रहे थे ठीक है लगा देंगे। तो सभी पेशेंट अगर खाना खा लेते तो ज़्यादा बीमार हो? ज़्यादा बीमार हो जाते जी। पहले बीमारी की वजह से? पहले बीमार है तो 4 दिन हो गए अस्पताल में, वैसे पड़े खून चढ़ने लग रहा मेरा वैसे। कहीं ना कहीं लापरवाही तो है स्वास्थ्य विभाग की भी, ऐसे खाना यहाँ पर? जी हाँ, लापरवाही है, इसलिए सख्ताई करनी चाहिए इस बात में। एक्चुअली मुझे अभी आफ्टरनून राउंड के दौरान ये पता लगा कि ऐसे ऐसे जो एनजीओस द्वारा कोई खाना जो सर्व किया गया था उसके अंदर कुछ ऐसा वाकया हुआ है, तो हमने इमीडिएटली उस एनजीओ को मना कर दिया है कि वो खाना सर्व नहीं करेंगे, और अपने हॉस्पिटल में अपने लेवल पर इंक्वायरीज की करेंगे, वो सारा जाँच करेंगे कि हाँ अभी इस तरह की कोई घटना ना हो पाए। 2-3 पेशेंट की कुछ तबीयत भी हल्की थोड़ी बहुत बिगड़ी है सर? नहीं, वो देख लिया, तबीयत ठीक है पेशेंट की, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, सब ठीक है, उनका अंडर ऑब्जर्वेशन ही है, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ वो नहीं, ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने खुद पेशेंट को बीइंग फिजिशियन मैंने पेशेंट को एग्जामिन भी किया है, जिन पेशेंट्स की आप बात कर रहे हो पेशेंट स्टेबल है, अभी कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं। तब क्या कुछ कार्रवाई की जाए, किसी डॉक्टर जांच के लिए ड्यूटी लगाई? मैंने भी बता दिया ना आपको, जैसे हमने जांच के लिए ड्यूटी लगा दी है, जो पूरा इस चीज़ को पूरी तरह से देखेंगे, एनजीओ जो खाना सर्व करता है उनका खाना बनाने का और सब कुछ हर पहलू से जांच करेंगे, और अभी हमने एनजीओ को मना कर दिया कि वो खाना सर्व ना करें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।